गुड मॉर्निंग क्लास, आप सभी आपकी एसएसटी की बुक ओपन कर लीजिए। चैप्टर 10 आर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। प्रीवियस क्लास में हमने फॉरेस्ट क्या होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है ये पढ़ा था, ठीक है। एंड कितने टाइप के फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं, इंडिया में 5 टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। फर्स्ट टाइप इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सेकेंड नेम क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे साल भर ग्रीन रहती हैं, ठीक है, ये अपनी लीव शेड नहीं करती, इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पर रोजवुड, महोगनी, एबनी एंड बेम्बू जैसी ट्रीज पाई जाती हैं। और ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये तमिलनाडु, कर्नाटका, हिली एरियाज ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा था डेसीडियस फॉरेस्ट। डेसीडियस फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है पूरे साल भर में, ठीक है। और ये जो डेसीडियस फॉरेस्ट है, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी ज़्यादा एरिया डेसीडियस फॉरेस्ट कवर करते हैं, ठीक है। और डेसीडियस फॉरेस्ट जो है, उसमें जो ट्रीज पाई जाती हैं, वो अपनी लीव्स को समर स्टार्ट होने से पहले शेड कर देती हैं, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, टीक एंड साल जो है मेन ट्रीज है जो डेसीडियस फॉरेस्ट में पाई जाती है। इनके अलावा सैंडलवुड, बैनियन, बैम्बू एंड महुआ, ये कुछ और टाइप की ट्रीज हैं जो डेसीडियस फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, ठीक है। और डेसीडियस फॉरेस्ट की जो वुड होती है, लकड़ी होती है, वो बहुत अच्छी होती है किसके लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। और ये फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय माउंटेन्स एंड इन सम पार्ट्स ऑफ साउथर्न प्लेटू, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा था कोनीफरस फॉरेस्ट। कोनीफरस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, माउंटेन वाला जो एरिया होता है वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी शेप कैसी होती है, कोन जैसी होती है। इनकी लीव्स कैसी होती हैं, पॉइंटेड लीव होती है, इनकी पत्तियाँ पॉइंटेड होती हैं, कोन जैसी इन लीव जो ट्रीज है उनकी शेप होती है कोनीफरस फॉरेस्ट की। आपने अगर क्रिसमस ट्री देखा होगा तो उसकी शेप कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। और जो कोनीफरस फॉरेस्ट है, उसमें ऐसे ही टाइप के जो ट्रीज पाए जाते हैं, आपकी बुक में भी पिक्चर दी हुई है, देखिए जो ट्री है उनकी शेप कैसी है, ऐसे कोन जैसी है सब ट्रीज की, ठीक है। ये क्या है, कोनीफरस फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट में पाई जाने वाली जो लकड़ी होती है, वुड होती है, वो भी फर्नीचर बनाने के लिए बहुत अच्छी होती है। और कोनीफरस फॉरेस्ट की जो ट्रीज होती है, उसका पल्प पेपर बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, जो हिमालय एंड जो नीलगिरी माउंटेन्स हैं उनके स्लोप्स पर, उनके ढलान पर कोनीफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। इनको माउंटेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि माउंटेन्स पर पाए जाते हैं। चीर, देवदार, स्प्रूस, फर, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स है किसके, ट्रीज के, जो कहाँ मिलती हैं, कोनीफरस फॉरेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, डेजर्ट एरिया जो होते हैं राजस्थान के, वहाँ पर थॉर्नी फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और थॉर्नी फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, मेनली जहाँ पर पानी या रेनफॉल, बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, जहाँ बारिश कम होती है। अब इंडिया में राजस्थान ऐसा रीजन है जहाँ पर बारिश कम होती है, सो थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है उसमें, ठीक है। और जो ट्रीज होती हैं थॉर्न फॉरेस्ट में पाई जाने वाली ट्रीज, जैसे कीकर, बबूल एंड डेट पाम ट्री, इन ट्रीज की जो बार्क होती है, छाल होती है, वो बहुत थिक होती है, और इनकी रूट मतलब जड़ें बहुत लंबी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था द टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट को मैनग्रोव भी कहा जाता है। टाइडल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, कोस्टल एरियाज में, जो कोस्ट होते हैं उनके पास टाइडल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि जो कोस्टल एरिया होता है वो पानी से भरा होता है, ठीक है। सो पानी वाला जो एरिया होता है, जहाँ पर बहुत सारा पानी भरा होता है लैंड पर, वहाँ पर आपको टाइडल फॉरेस्ट देखने को मिल सकते हैं। और द डेल्टा रीजन ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इज कवर्ड विद टाइडल फॉरेस्ट। और डेल्टा रीजन जो है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का, वो टाइडल फॉरेस्ट से कवर्ड है, ठीक है। सुंदरी ट्री जो कि सुंदरबन में पाई जाती है, ये मोस्ट फेमस ट्री है इस रीजन की। इसके अलावा
एक ट्री है जिसका नाम है मैनग्रोव, ये भी पाई जाती है। इस मैनग्रोव ट्री से की जो वुड है उससे बोट बनाई जाती है, और ये बहुत हार्ड और बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली इसकी वुड होती है। ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लास में रिवाइज किया था, एंड नाउ वी विल रिवाइज द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल टू अस इन वेरियस वेज। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत अलग अलग टाइप से यूजफुल होते हैं। फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट हेल्प अस इन सॉइल कंजर्वेशन। फॉरेस्ट हमारी सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं। सॉइल कंजर्वेशन हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, जो अर्थ का जो टॉप लेयर होता है, जो मिट्टी से कवर होता है, सॉइल से कवर होता है, ठीक है, तेज हवा की वजह से या पानी के फ्लो की वजह से, जब वो ऊपर की जो लेयर होती है सॉइल की, जब वो हट जाती है तो उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, तो सॉइल इरोजन से बचाने के लिए फॉरेस्ट लगाए जाते हैं, ट्रीज लगाए जाते हैं। और ये जो जंगल होते हैं जहाँ पर बहुत सारी ट्रीज होती हैं, ये सॉइल कंजर्वेशन करती है, मतलब सॉइल इरोजन को होने से रोकती हैं, सॉइल को बचाती हैं, टॉप लेयर को हटने से, खराब होने से बचाती है, मतलब सॉइल कंजर्वेशन करती है। सो फॉरेस्ट क्या हेल्प करते हैं सॉइल कंजर्वेशन करने में। सेकेंड इज दे प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, वो जंगली जानवरों को शेल्टर भी प्रोवाइड कराते हैं। जंगल जंगली जानवरों का घर होते हैं। थर्ड इज द वुड ऑफ ट्रीज इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर बोर्ड्स एक्सेट्रा। और जो ये फॉरेस्ट में पाई जाने वाली ट्रीज होती हैं, इनकी लकड़ियाँ फर्नीचर और बोर्ड बनाने के काम भी आती है। सॉफ्ट वुड इज यूज टू मेक पेपर, मैच स्टिक्स, क्रेट्स एंड प्लाईवुड। और जो सॉफ्ट वुड होती है वो पेपर बनाने में, माचिस की तिलियां बनाने में, क्रेट्स एंड प्लाईवुड बनाने में यूज होती है। ठीक है, दे ऑल्सो प्रोवाइड हार्ड वुड फॉर मेकिंग रेलवे कोचेज एंड स्लीपर्स। और सॉफ्ट वुड के अलावा हार्ड वुड जो प्रोवाइड कराते हैं फॉरेस्ट, उनसे क्या बनती है, रेलवे के कोचेज एंड स्लीपर्स भी बनाए जाते हैं। ठीक है, हर तरह की ट्री पाई जाती हैं इन फाइव टाइप के फॉरेस्ट में। दे प्रोवाइड फॉडर टू बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ। फॉडर मीन्स चारा। जो फॉरेस्ट होते हैं ये जंगली जानवरों को और बर्ड्स को फॉडर भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, गम, रेसिन, कैम्फर, कोक आर ऑल फॉरेस्ट प्रोडक्ट। और ये कुछ प्रोडक्ट के नाम दिए हैं, ये सभी क्या है, फॉरेस्ट से जो हमें प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, वो प्रोडक्ट हैं। दे गिव अस मैनी थिंग्स सच एज वुड, हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स। और इसके अलावा हमें फॉरेस्ट की जो ट्रीज होती हैं उससे लकड़ी, हर्ब्स मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, और मेडिसिन जिनसे मिलती है, बनती है, ऐसे प्लांट्स भी हमें इन फॉरेस्ट से मिलते हैं। ठीक है, नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन का मतलब किसी भी चीज़ को बचाना, उसको बर्बाद होने से रोकना। ठीक है, तो फॉरेस्ट को बचाना और उसको कम होने से, खराब होने से या ख़त्म होने से बचाना, सो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर आर नेचुरल रिसोर्स। फॉरेस्ट क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स हमने पढ़ा था पहले भी, वो रिसोर्सेज जो नेचुरली हमें मिलते हैं, नेचर का गिफ्ट होते हैं, उन्हें नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में, मतलब कोई कंट्री कितनी ज़्यादा वेल्दी हो सकती है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्स फॉरेस्ट। वी हैव डिस्ट्रॉयड आवर फॉरेस्ट कवर बाय कटिंग द ट्रीज माइंडलेसली। हमने अपने जो फॉरेस्ट हैं उनको कैसे बर्बाद किया है, ट्रीज को कट करके, बेवकूफों की तरह बस हम ट्रीज को कट किए जा रहे हैं अपनी जरूरतों के लिए, उससे हमने अपने फॉरेस्ट को बर्बाद कर दिया है। इट इज आवर ड्यूटी टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन एंड मेक अप फॉर द लॉस बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज एंड कंजर्विंग आर फॉरेस्ट। और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कमी होना, ट्रीज की कमी को रोके और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करके, ठीक, ट्रीज को ग्रो करके फॉरेस्ट को कंजर्व करें, फॉरेस्ट को बचाएं। अ कंट्री शुड हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट, बट वी डोंट इवन हैव 1/4 ऑफ आर लैंड अंडर फॉरेस्ट। किसी भी कंट्री का कम से कम 1/3 जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर्ड होना चाहिए, लेकिन हमारी इंडिया में 1/4 से भी कम जो लैंड है, ज़मीन है, वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। ठीक है, इट इज़ हर्टनिंग टू नो दैट आवर गवर्नमेंट इज टेकिंग सम कॉन्क्रीट मेजर्स टू कंजर्व आर फॉरेस्ट वेल्थ। ये जानकर बहुत खुशी भी होती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, वो कुछ बहुत बड़े स्टेप ले रही है, अच्छे स्टेप ले रही है
फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। अ नंबर ऑफ स्टेप्स हैव बीन टेकन टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिससे हम अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे आर गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मेनी प्रोग्राम सच एज सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट्स एंड वन महोत्सव आर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड ऑल ओवर द कंट्री। गवर्नमेंट ने क्या दो प्रोग्राम स्टार्ट किए, फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट एंड वन महोत्सव। वन महोत्सव में क्या, इन ये जो दोनों प्रोग्राम है इनमें क्या होता है, साल, हर साल ये सेलिब्रेट किए जाते हैं ये दोनों प्रोग्राम, और इसमें बहुत लार्ज नंबर में मतलब बहुत सारे ट्रीज को प्लांट किया जाता है पूरी कंट्री में, ठीक है। सेकेंड इज पीपल आर मोटिवेटेड टू प्लांट मोर ट्रीज अलोंग रोड्स कैनाल्स एंड रेलवे ट्रैक्स। लोग बहुत मोटिवेट होते हैं इन प्रोग्राम से ट्रीज प्लांट करने के लिए रोड्स के पास, कैनाल्स के पास एंड रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं उनके पास भी ट्रीज प्लांट करने के लिए, ऐसे प्रोग्राम से मोटिवेशन मिलता है लोगों को। थर्ड इज देयर इज अनदर प्रोग्राम अंडर विच एवरी चाइल्ड इज एनकरेज टू प्लांट अ ट्री एंड टेक केयर ऑफ इट। एक और प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को, हर एक बच्चे को एनकरेज किया जाता है कि वो कम से कम एक ट्री प्लांट करे और उसकी केयर करे। दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड अ ट्री फॉर एवरी चाइल्ड, और इस प्रोग्राम का नाम क्या है, अ ट्री फॉर एवरी चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज चिपको मूवमेंट इनिशिएटेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा ब्रॉट अ ग्रेट अवेकनिंग अमंग द पीपल। इसके अलावा एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था, आंदोलन कहते हैं हिंदी में मूवमेंट को। सुंदरलाल बहुगुणा ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था उसका, उसको किस नाम से जाना जाता है, चिपको मूवमेंट। अब चिपको मूवमेंट क्यों, क्योंकि जो लोकल लोग थे वहां के, उन्होंने क्या किया था, जब एक फैक्ट्री वहां पर बननी थी, एक कंपनी वहां बननी थी, तो कंपनी के लोग जब वहां पर ट्रीज को काटने आए, ट्रीज को काट कर वहां पर फैक्ट्री बिल्ड करने के लिए ट्रीज काटने आए, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने क्या किया, वो ट्रीज को हक करके खड़े हो गए, ट्रीज से चिपक के खड़े हो गए, ठीक है, जिससे वो लोग ट्रीज को नहीं कट कर पाए। इन 1974 पीपल ऑफ अलकनंदा वैली अडॉप्टेड अ नोबल मेथड ऑफ हगिंग द ट्रीज फॉर्मली टू प्रिवेंट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। 1974 में अलकनंदा वैली के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, ट्रीज को हक कर खड़े हो गए थे, जिससे जो कंपनी थी वो ट्रीज को कट नहीं कर पाई, ठीक है, जिससे उन्होंने ट्रीज को कट करने से बचा लिया था। द स्लोगन वॉज इफ यू कट वन ट्री प्लांट एट लीस्ट थ्री मोर, और उनका स्लोगन क्या था, अगर आप एक ट्री काटते हैं तो आपको कम से कम तीन ट्रीज प्लांट करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हम नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन और एनी क्वेरी है देन यू कैन आस्क मी।